The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे आज. इस कोरोना वायरस के सारे झमेले में सारी दुनिया, लिटरली सारी दुनिया लॉकडाउन हो गई है. कई हफ्तों से अपने घरों में दुबक के बैठे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं और दुनिया की हर एक गवर्नमेंट, हर एक मेडिकल संस्था, हर बड़ी से बड़ी कंपनी एक ही चीज के पीछे पड़ी है कि कैसे ना कैसे वेंटिलेटर्स बना लें, वेंटिलेटर्स इकट्ठे कर लें, हॉस्पिटल बेड बना लें, आईसीयू बेड बना लें, वेंटिलेटर बना लें. पर ये वेंटिलेटर है क्या? आज हम आपको बताएंगे वेंटिलेटर होता क्या है, क्या चीज़ है, क्या बला है और क्यों ये आपके लिए इस सिचुएशन में कोरोना में ज़रूरी है. दोस्तों वेंटिलेटर एक मशीन है जो कि आपके लिए सांस ले सकती है. मतलब आप उसके हेल्प से सांस ले, अगर आपके सांस लेने की क्षमता बंद हो जाए कहीं किसी कारणवश, तो वेंटिलेटर पे आपको डालें तो वो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग एक तरीके से हो जाएगा. ये आपके लिए सांस ले सकती है और आपको सांस लेने में मदद कर सकती है. दोनों चीजें हो सकती है एक वेंटिलेटर से, ठीक. और इसको हम ब्रीदिंग मशीन भी कहते हैं, रेस्पिरेटर भी कहते हैं, वेंटिलेटर भी कहते हैं. ये एक कंप्यूटर से अटैच्ड होती है जिसमें नॉब्स होते हैं, बटन्स होते हैं, जो कंप्यूटर के द्वारा डॉक्टर या रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट या उसके जो नर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं कि कितने, एक मिनट में कितनी बार सांस लेनी है, एक सांस में लंग्स के अंदर कितनी हवा भरनी है, उस हवा में कितना ऑक्सीजन का प्रेशर होना है, फलाना फलाना ढमकाना ढमकाना. और उसमें थोड़ा प्रेशर ऐसा डाला जाता है कि अगर लंग्स बंद हैं तो लंग्स खुल भी जाएं, जिसको हम पीप प्रेशर बोलते हैं. सो ये बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं. इसमें कुछ ट्यूब्स के द्वारा आपके मुंह से आपकी ब्रीदिंग पाइप, आपके जो नड्डी यानी कि गले के अंदर जो नड्डी, जो बेसिक ट्रकिया होता है, ट्रकिया के अंदर ट्यूब जाती है, उस ट्यूब के अंदर एक और, जैसे ट्रकिया में ट्यूब जाती है, ट्यूब के अंदर एक गुब्बारा फुला दिया जाता है ताकि उस नली के थ्रू जो हवा सांस के अंदर जाए वो लीक ना हो, तो उसको सील कर दिया जाता है, एयर सील हो जाता है, वहां पे हवा भर दी जाती है. हवा वाला गुब्बारा होता है एक, वो ट्रकिया के अंदर इंट्यूबेशन ट्यूब बोलते हैं, एंडोट्रकियल इंट्यूबेशन. कुछ लोगों में इंट्यूबेशन जब नहीं हो पाता तो वो, यहां से आपने देखा होगा टीवी में, चीरा मार के अंदर डायरेक्ट ट्यूब डालते हैं, दैट इज ट्रकियोस्टॉमी. दोनों ही केसेस में सांस की नली में ट्यूब डाली जाती है. एक बार सांस की नली में ट्यूब करेगी, उसको सील कर दिया, अब लंग्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपके हाथ में है. आप बाहर से उसको रेस्पिरेटरी मशीन पे लगा सकते हो या मैकेनिकल वेंटिलेटर पे लगा सकते हो. जी हाँ, ये बात भी आपके लिए जाननी जरूरी है, अगर किसी कारणवश कहीं पर वेंटिलेटर मौजूद नहीं है तो एक इंसान वेंटिलेटर का काम कर सकता है. जी हाँ, एक इंसान वेंटिलेटर का काम कर सकता है. उसको सिर्फ एक अंबू बैग चाहिए, एक अंबू बैग जिसमें बेसिकली वेंटिलेटर के जैसे, बस उसको दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, और उसके साथ में ऑक्सीजन अटैच कर दिया जाता है. ये एक टेम्पररी वेंटिलेटर का काम करता है, अच्छा खासा पेशेंट को ट्रैवल करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए बहुत अच्छी से काम कर लेता है. फिर वेंटिलेटर मशीन में कई सारे अलार्म्स होते हैं, नॉइजेज होती हैं कि कुछ भी चीज़ में इशू आ रही है. मान लो सही से ऑक्सीजन नहीं आ रहा, मान लो लंग सही से फूल नहीं रहा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उसके लिए वेंटिलेटर अलार्म बजा देता है. सो अब ये बात देखिए, ऑब्वियस सी बात है, गले में पाइप जाएगी तो कोई कंफर्टेबल फीलिंग तो नहीं होगी, ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन. और कई लोग जो बेहोश होते हैं, होश में आने के बाद ट्यूब निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा भी होश आ जाए तो उनका वो इंस्टिंक्ट होता है कि निकाल दो, अगर वो खींच के निकाल देंगे तो और नुकसान हो जाता है. इसीलिए जो पेशेंट बेहोश होने के बाद उनको ट्यूब दे, ऐसे पेशेंट जो जो बौखलाए हुए होते हैं,
जो कि ड्राउजी डिसओरिएंटेड होते हैं उनको फिर सिडेट कर दिया जाता है या कभी कभी पैरालाइज कर दिया जाता है, क्योंकि पैरालिसिस के बाद में हार्ट तो काम करता है लेकिन लंग्स काम नहीं करते, तो लंग्स को बाहर से फिर हम रेस्पिरेटर पे डाल देते हैं। वो टेम्प्रेरी पैरालिसिस होता है, हमेशा के लिए नहीं होता। पैरालिसिस का इफेक्ट जब तक दवा दे रहे हैं तब तक चलता है, और जब हमारा मेन ट्रीटमेंट जो भी बीमारी की वजह से वेंटिलेटर पे डाला गया है उसको हम ठीक कर लेते हैं तो फिर हम उसको एक्सट्यूबेट कर सकते हैं पेशेंट को, जो बहुत कॉमनली आईसीयूज में पूरी दुनिया में किया जाता है। सो बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग है, इसलिए पेशेंट को सुला दिया जाता है। पेशेंट को कुछ लोग फिर टॉलरेट भी कर लेते हैं, तो उनको फिर समझा के कि भी निकालनी नहीं है ट्यूब, वो समझा दिया जाता है, ये ध्यान में रखना होता है। वायर्स वो सब लगे होते हैं, काफ़ी स्कैरी सा दिखता है, डरावना सा दिखता है, पर बेसिक बहुत छोटा सा बेसिक है उसमें, राइट। कुछ लोगों को बांध के भी रखना पड़ता है हाथ पैर को, कि ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको बेहोश नहीं कर सकते क्योंकि कोई दिमागी ऐसी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो फिर उनको बांध के रखा जाता है कि वो हाथ से अपने खोल ना लें। तो बहुत से अजीबोगरीब सिचुएशन से गुजरना पड़ता है डॉक्टरों को, जिसमें आपको समझना चाहिए। अब क्यों ज़रूरत है वेंटिलेटर की, सबसे बड़ी बात, पेशेंट को वेंटिलेटर पे डाला जाता है जब भी वो खुद से सांस नहीं ले पा रहे। सिंपल, खुद से सांस नहीं ले पा रहे क्यों होगा, ठीक है। पहली बात, अगर पेशेंट पहले तो आपको ये मेक श्योर करना है कि पेशेंट को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा है और सही तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस ABG नामक टेस्ट से होता है। ABG आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस से ये पता चलता है कि आपके खून में कितना ऑक्सीजन जा रहा है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, रिटेन हो रहा है तो क्या हो रहा है, खून का pH कितना आ रहा है, बाइकार्ब कितने आ रहे हैं, लैक्टिक एसिड कितनी बन रहे हैं, सोडियम पोटेशियम कितना है, फलाना फलाना ढमकाना ढमकाना ग्लूकोज। बहुत ही अच्छी जाँच है ABG, जो कि ICU और सीरियस पेशेंट्स में डेफिनेटली की जाती है, हमेशा की जाती है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ये आपके रेडियल आर्टरी से यहाँ से ली जाती है या फीमोरल आर्टरी से नीचे से, कभी कभी ब्रेकियल आर्टरी से भी ले सकते हैं, रेडियल आर्टरी मोस्ट कॉमनली यूज होती है। और ये एक कारण हुआ कि अगर किसी शरीर में ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं जा रहा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा किसी भी कारणवश, लंग में बीमारी है या लंग एक कोलैप्स हो गया है, लंग में चोट लग गई है, लंग में गोली लग गई है, लंग में ऑपरेशन हो गया है, लंग में ट्यूमर है, फलाना फलाना लंग में कोरोना वायरस है, लंग में व्हाटएवर इट इज़, कोई भी बड़ी बीमारी ऐसी, लंग रेस्पिरेटरी कोलैप्स है, राइट, कोई पॉइजनिंग हो गया है, कोई CO2 नर्कोसिस हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, CO2 बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड डिटेंशन हो गया है, COPD विद एक्यूट एग्जासर्बेशन है, पेशेंट फेलियर में है, हार्ट फेलियर के बाद पेशेंट कोलैप्स हो गया है, एक्यूट LVF में है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में है, कार्डियोजेनिक शॉक में है, ऐसे किसी भी केसेस में हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी बॉडी में या तो रेस्पिरेशन या सर्कुलेशन, या तो सांस का काम या दिल का काम नहीं हो पा रहा। ऐसे में दोनों ही फिर एक साथ तालमेल में चलते, एक नहीं चलेगा तो दूसरा ज़्यादा देर नहीं चल पाएगा, दोनों में से जो भी हो, या हार्ट हो या लंग्स हो। अगर हार्ट रुक गया तो लंग भी कुछ नहीं कर पा सकता, और लंग रुक गया तो हार्ट थोड़ी देर ही चल पाएगा, तो इसीलिए उसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक तो ये कारण हुआ जो कोरोना वायरस के चलते बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, इसीलिए कोरोना वायरस के केस में जब कोई खास ट्रीटमेंट है नहीं, जी हाँ, दूसरे ट्रीटमेंट्स ट्राई कर सकते हैं सीरियस पेशेंट्स में, वो लेकिन सिर्फ और सिर्फ सीरियस पेशेंट्स में ट्राई करते हैं। कई सारे पेशेंट्स को सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दिया जाता है, वो यही दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पहले ऑक्सीजन दिया जाता है, फिर प्रेशर से ऑक्सीजन दिया जाता है, बाईपैप CPAP मशीन दिया जाता है, उससे भी काम ना हो तो वेंटिलेटर पर डाला जाता है, और वेंटिलेटर पर डालने के बाद और साथ में उसकी जो प्रेशर्स हैं और जो उसके ऑक्सीजन सैचुरेशंस हैं, जो उसका ABG है, उस पेशेंट का इसी चीज़ को मॉनिटर करके बाकी सारी चीज़ ऑल्टर की जाती है, भी क्या इलाज करना है, कैसे करना है। मीनवाइल कोशिश की जाती है कि जो भी कारण है जिस वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो रहा है वो ठीक हो पाए, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, इन्फेक्शन हो, एसिडोसिस हो, सेप्सिस हो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो, लंग कोलैप्स हो, जो भी हो, चाहे उसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, उस सब को जो भी उस समय डॉक्टर को लगता है कि ये बीमारी है, उसके हिसाब से उस समय के मौजूद सिचुएशन के हैंडल करके वो इलाज करते हैं, राइट। सो ये हिसाब हुआ फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन जिसमें वेंटिलेटर पे डाला जाता है वो ऑपरेशन के दौरान। किसी भी मेजर ऑपरेशन के दौरान कई बार पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है, जो आपने देखा होगा, और मेजर ऑपरेशन जनरल एनेस्थेशिया जब भी दिया जाता है पेशेंट को वेंटिलेटर पे, यानी कि एंटीबेट करके थोड़ी देर के लिए, या फिर कई बार कुछ देर के लिए, एक आध दिन के लिए भी रखा जा सकता है, राइट। फिर अगर कोई मेजर इलनेस है जिसमें आप
मान लीजिए बेहोश हो जाए, आप अनकॉन्शियस हो जाए और ब्रीदिंग बंद हो जाए, अब क्या आपके हार्ट में लंग में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेन में इंजरी है, ब्रीदिंग बंद हो गई, सांस नहीं ले रहे हो, तो वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा, वरना क्या होगा, यू आर नॉट देयर, तो आप बचोगे नहीं। सो ये सारी सिचुएशंस में आपको वेंटिलेटर पर डालना पड़ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वेंटिलेटर जो है शॉर्ट टाइम के लिए ही जरूरत पड़ती है, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्तों के लिए, लेकिन कुछ केसेस में महीनों तक, सालों तक भी वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। याद रखिए, कुछ दिनों तक तो वेंटिलेटर मुंह से डाला जा सकता है ट्यूब, लेकिन फिर दिनों के बाद, हफ्तों में जब होने लग जाता है, तो फिर गले से ट्रकियोस्टॉमी कर दी जाती है। ट्रकियोस्टॉमी इसलिए क्योंकि उसकी सफाई करना आसान है और मुंह से और ज्यादा इन्फेक्शन और दूसरी चीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ट्रकियोस्टॉमी समझ गए, ट्रकियोस्टॉमी का मतलब यहां से डायरेक्ट छेद करके ट्यूब डालना, वी ऑलरेडी टोल्ड यू दैट। सो इस तरह की चीजें होती है। और वेंटिलेटर पेशेंट्स को स्पेशल केयर की जरूरत होती है, उस पेशेंट को लॉन्ग टर्म हो सकता है हॉस्पिटल में रहना पड़े, डॉक्टर्स, नर्सेज, वेंटिलेटर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, चेस्ट फिजियोथेरेपी, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है। वेंटिलेटर पे ऑब्वियसली अगर कोई पेशेंट जिसको कफ है, म्यूकस है, निमोनिया है, तो उस पर्टिकुलर चीज का फिर सक्शन भी किया जा सकता है वेंटिलेटर के जो ट्यूब डाली है उसके थ्रू, म्यूकस है या वहां पे सिक्रीशंस है, उन सब का सक्शन किया जा सकता है। कई बार अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है, कुछ कुछ बीमारियों में ब्लीडिंग का भी सक्शन किया जा सकता है, ऐसी सिचुएशंस को इस तरह से डील किया जाता है। सो सक्शनिंग इज ऑल्सो पॉसिबल वेंटिलेटर जब बहुत दिनों के लिए रखता है, तो याद रखिए उसके साथ एसोसिएटेड पेट में भी एक ट्यूब डाली जाती है, क्योंकि फिर खाना इंसान नहीं खा पाएगा मुंह से है, तो फिर पेट में सिरिंज से डायरेक्ट आपके पेट में सॉफ्ट यानी कि लिक्विड डाइट डाली जाती है, या फिर पेरेंट्रल यानी कि आईवी फ्लूइड से, जैसे आईवी आपको पेरेंट्रल न्यूट्रिशन भी दिया जा सकता है। सो दोज आर द थिंग्स। और अगर पेशेंट बोल नहीं पा रहे हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो फिर कई बार जैसे हमने कहा पेशेंट को सिडेट किया जा सकता है अगर वो बौखलाए हुए हैं तो, वरना अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर पर रखना है तो कई बार स्पीच के लिए भी कुछ अभी इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो उस वेंटिलेटर या ट्रकियोस्टॉमी के साथ बोलने में हेल्प करें। सो ये हो गया बेसिक हमारा वेंटिलेटर का, कि वेंटिलेटर कब इस्तेमाल होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन चीज़ है जो आईसीयू में यूज़ होती है वेंटिलेटर, और इसी के लिए सारी दुनिया लगी पड़ी है वेंटिलेटर वेंटिलेटर वेंटिलेटर। सो वेंटिलेटर आपको आई होप समझ गया होगा, समझ गया है तो आगे फैलाइए इसको, ताकि लोगों को समझे कि वेंटिलेटर नहीं भी है तो खुद से वेंटिलेटर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।